हंसी आ रही है तुम दोनों को? अरे मैं बलि हूँ, बलि बलि द बाहुबली। खुद कॉमेडी में कॉमेडी कर रहे हो और कहते हो कि हंसना मना है। रज्जो को बहुत हंसी आ रही है, उठा लो उसे, अपने खेत के दलदल में फेंकूंगा, फिर देखूंगा कि हंसी आती है कि नहीं। डोंट वरी दीदी, जब भी कोई मुसीबत हो डायल चुलबुल फॉर हेल्प। मैं अभी उसे फोन कर देती हूँ। हेलो चुलबुल, स्वागत तो करो हमारा। वाओ, क्या एंट्री है! कमाल करती हैं रज्जो जी, क्या हैप्पी एंड सेफ लैंडिंग की है। कैच करो, कैच करो, मैं चिल्ला रहा था और तुमने रज्जो को कैच किया। लेडीज फर्स्ट, इतना नहीं मालूम, शुक्र है इनको कुछ नहीं हुआ, वरना हम तुम्हारे अंदर इतने छेद कर देते कि जब भी सांस लेते बांसुरी की धुन निकलती और तुम सोच सोच के कंफ्यूज हो जाते कि कब कौन सी धुन बजाए। बलि, इट्स बाहुबली, ये मत भूलो चुलबुल। बलि बाहुबली है तो चुलबुल महाबली है, ये मत भूलो बलि। हेलो इंस्पेक्टर मक्खन चंद पांडे, कैसे हैं आप? मुझे मक्खन चंद पांडे कहा और आप भी बोला, मेरी इतनी इज्जत। ओह, पलक बंद कर लूं, कहीं छलक ना जाए। अरे किस सोच में पड़ गए सर? सर, सर भी कहा? हाँ बाली जी, बोलो बोलो, क्या बात है? मैं सोच रहा था कि तुम भी चुलबुल की तरह बॉडी बिल्डर हो, पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। अगर चुलबुल जीप को हवा में पलट सकता है तो तुम क्यों नहीं? हाँ हाँ, हम भी पलट सकते हैं, क्यों नहीं। ये हुई ना बात, तो फिर मेरे आदमी जीप चलाएंगे, तुम जीप पलटो, मेरे आदमी उसे शूट करेंगे, अगर शूट प्रॉपर हो गया तो उसे हम टीवी पर डाल देंगे और तुम्हें फेमस कर देंगे। वाह, क्या आइडिया है, मैं टीवी में आऊंगा जीप पलटते हुए। चलो चलो। राइट, कैमरा एक्शन। डोंट वरी इंस्पेक्टर मक्खी चंद, हमें जीप को पलटते हुए शूट करना है, बाइक भूल जाओ, रन नाउ, कम ऑन। ओहो, जंप प्रॉपर नहीं हुई, जीप रोको। बलि बचाओ, निकालो हमें, हेल्प हेल्प। अरे बकरे को निकाल दिया तो शेर कैसे फंसेगा? आने दो चुलबुल को, आज उसे पता चलेगा कि बलि का वार ना जाए खाली। भैया भैया कमाल करते हैं मक्खी जी, आप ये बताएंगे कि आप इस मस्त जगह पे क्या मस्ती कर रहे हैं? तुम भी चुलबुल की तरह बॉडी बिल्डर हो, पावरफुल हो,
अगर चुलबुल जीप को हवा में पलट सकता है तो तुम क्यों नहीं? ओ, हमारी ताकत से बराबरी कर रहे थे। ताकत से याद आया कि रोज पिस्ता बादाम खाया करो तो दिमाग भी तेज होगा और बदन भी ताकतवर होगा। वाह, क्या प्यार है भाइयों में, लेकिन प्यार का इम्तिहान अभी बाकी है। चुलबुल, तुम दोनों में से कोई एक बाहर आ सकता है, बोलो तुम आओगे या मक्खी? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मक्खी को बाहर निकाल लो, मेरे साथ जो करना है करो। गुड आइडिया, रस्सी खींचो रे। गली का बार ना जाए खाली, अब दे ताली। फंस गया ना? हाँ तो चुलबुल, क्या क्या डायलॉग मारते हो, एक सस्ती सी सलाह दे। अरे देना सलाह, कानून के हाथ और चुलबुल की लात बहुत लंबी होती है। स्वागत नहीं करोगे? आई एम बली द बाहुबली। आज पता चला बली क्या बला है। सॉरी भैया, सॉरी, गलती हो गई, मेरी वजह से आप फंस गए भैया, सॉरी। चुलबुल, उसे निकालो प्लीज, उसे बाहर निकालो। बाली अंकल, प्लीज प्लीज चुलबुल भैया को बाहर निकाल लीजिए, प्लीज बाली अंकल। अरे वो महाबली है, खुद निकल कर आएगा ना। चुलबुल भैया को बाहर निकाल लीजिए भैया। बली, मुझे रोते हुए बच्चे और हंसते हुए अपराधी अच्छे नहीं लगते। कानून के हाथ और चुलबुल की लात बहुत लंबी है, एक सस्ती सी सरकारी सलाह दें, मेरे पैर भी जमीन से उठा दो तो तुम जीते मैं हारा। जो खुद को बाहुबली कहते हैं अपने चमचों के साथ चुलबुल के पैर पकड़ कर माफी मांग रहे हैं। कैमरामैन मक्खी के साथ रज्जू। नहीं, मैं माफी नहीं मांग रहा। इंस्पेक्टर मक्खनचंद पांडे, अब जीप उठाओ। यस सर। भैया, भैया भैया, मैं छोटा हो गया भैया, मुझे बचाओ भैया। अरे एक साइड से उठाओ गदाधारी भीम। बचाओ।
जिसने भी अच्छा काम किया है वो बच जाएगा। बॉस आप रुक जाइए, आपने बहुत बुरे काम किए हैं, हमें जाने दीजिए। स्वागत तो करो हमारा। स्वागत है, स्वागत है, पर तुम अंदर कैसे आ गए? बैंक तो बंद था। शहर में चूहे आए हो और बिल्ली को खबर ना हो, ये कैसे हो सकता है? चुलबुल पांडे स्मार्ट है तो मैं सुपर स्मार्ट हूँ। वो अब बैंक का पैसा हमको खुद हमारे घर पर लाकर देगा, क्योंकि तेजा जलान का प्लान एकदम परफेक्ट होता है। अरे ये रहे पैसे, अभी अभी उसी बैंक से लूट कर लाया हूँ। और ये रहे तुम, बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम ये पैसा खुद मेरे घर पर जाके छोड़ के आना। ओके? इंटरेस्टिंग आदमी हो, तुम्हारा डेयरिंग अच्छा लगा और तुम्हारा स्टाइल भी अच्छा लग रहा है। अरे स्टाइल अभी देखा कहाँ है, आओ बाहर आओ, दिखाता हूँ मैं। वो मेरा आदमी है, उस ट्रक से 10 मीटर दूर खड़ा है। एक कदम भी अगर आगे आए तो ट्रक में आतिशबाजी शुरू हो जाएगी, देखना है। देखा? ओ। ओ। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इसका एक आदमी आकर बोला, चुलबुल सर ने गाड़ी भेजी है, पिकनिक पर चलना है। हम लोग बैठकर आ गए। जैसे ही हम बैठे उसने कहा, अब गाड़ी से उठना नहीं वरना आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। हाँ तो चुलबुल जी, मेरा प्लान ये है कि ये लोग सीट से उठे भी तो कार में आतिशबाजी शुरू, और तुम इस कार से उतर के 10 मीटर दूर से ज्यादा गए, अरे तो भी आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। और तुमने आधे घंटे में अगर ये रुपया मेरे घर नहीं पहुंचाया, तो आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, अगर 1 मिनट के अंदर कार स्टार्ट नहीं की तो भी आतिशबाजी शुरू। अरे यार, बड़े आतिशबाजी वाले इंसान हो। सुपर इंटेलिजेंट, आज तुम एक सबक सीखोगे कि हर लड़ाई दिमाग से जीती जाती है, मसल पावर से नहीं। चलो चलता हूँ। चुलबुल, अब दिखाओ अपनी ताकत। हमारे बॉस तेजा ने एक पल में तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दी। सारी हेकड़ी निकाल दी। ताकत देखना चाहते हो तो देखो। चुलबुल रे चुलबुल, पांडे जी पांडे, नाम मेरा चुलबुल। आहिस्ता संभाल के बेटा, संभाल के। रज्जो, स्टीयरिंग संभालो।
किया। अरे भाई, अरे अरे रुको रुको, अरे वो औरत नकली है, कहाँ ले जा रहे हो? अरे मेरा जेवर। अरे गेट खोलो। चुलबुल सर, आप? जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ भैया, ठीक है ठीक है, मैं टूल बॉक्स लाता हूँ। देखा आप लोगों ने, इंस्पेक्टर चुलबुल खुद बैंक से लूटा हुआ पैसा मेरे पास लेकर आ रहा है। अरे मैंने उसे कोई ऑप्शन नहीं दिया, नो फोनो फ्रेंड्स, नो ऑडियंस कॉल और 50-50 उसे यहाँ पर आना ही होगा। दिस इज कॉल परफेक्ट प्लानिंग। अगर आपको कोई काम करवाना है तो मुझसे करवाना। हेलो चुलबुल, मैंने क्वीन के हार से कोई कड़ा नहीं खुलेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चुपचाप यहाँ चले आओ। मेरा ब्रेन सुपर ब्रेन है, एकदम सुपर परफेक्ट प्लान करता हूँ मैं। तेजा, अभी भी मान जाओ वरना हम तुम्हारे बदन में इतने छेद करेंगे, जब जब सांस लोगे बांसुरी की धुन आएगी और तुम कनफुजिया जाओगे कि कौन सी धुन बजाऊं। अरे इस समय तो बांसुरी तुम्हारी बज रही है। ये कहीं से मुझे देख रहा है। वो देखो चुलबुल, ऊपर एक ड्रोन हमें फॉलो कर रहा है। डोंट वरी जेंटलमैन, उसने ड्रोन तोड़ दिया, फिर भी हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। लो भैया, टूल बॉक्स, इसमें हर तरह की चाबी और टूल्स हैं। भैया, मक्खी जी, टूल बॉक्स चाहिए था, टूल बॉक्स लाने वाला नहीं। अब आओ नीचे। तुम लोग उसके घर आओ, मैं वहीं मिलूंगा। स्पीड कंट्रोल में रखना। बेटा संभल के। जिसके सर पे हो माँ का हाथ, उसका ऊपर वाला भी देता है साथ। बस अब कार आती होगी। वो कार आ गई, अब गेट में रुकी, चलो वो अंदर आता ही होगा। क्या हो रहा है सब? स्वागत तो करो हमारा, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई श्रीमान। तेजा जलन, तुम्हारे पास सुपर ब्रेन है तो हमारे पास सुपर डुपर ब्रेन है। तुम्हारे पास सिर्फ दिमाग है, हमारे पास दिमाग और ताकत दोनों है। देखो, जिसको मार खानी है वो इधर आ जाए और जिसको मजे लेने हैं वो उस व्हील के ऊपर आ जाए। कानून के हाथ और चुलबुल की लात से कोई नहीं बच सकता। अरे ठहरो, अरे रुक, अरे अरे कुछ तो रिस्पेक्ट करो सुपर ब्रेन को। अरे बॉस, क्यों मार खा रहे हो? अरे इधर आकर व्हील पे बैठ जाओ। अरे इसकी लात ही नहीं, हाथ भी लंबे हैं, व्हील पे आने ही नहीं दे रहा है।
परफेक्ट प्लानिंग से याद आया, फिर कभी अपनी परफेक्ट प्लानिंग में मेरी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना। अरे तुम्हारी फैमिली क्या, तुमको, तुम्हारे शहर को, किसी को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। मक्खी, हम तीनों सुबह से नारियल पानी पी पी कर थक गए हैं, अब जाने दो। देखो, मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ। इस रास्ते से सिटी बैंक का गोल्ड ट्रक जाने वाला है। मैं यहाँ भेज बदल के उसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा हूँ। अकेला रहूँगा तो चोरों को शक हो जाएगा। बिना कस्टमर ये नारियल वाला यहाँ क्यों खड़ा है? प्लीज कुछ घंटे और रुको। कुछ घंटे और? जो चिल्लर पार्टी के साथ अकेले यहाँ? कहीं वो नारियल पानी वाला मक्खी तो नहीं है? खबर पक्की है कि यहाँ से गोल ट्रक निकलने वाला है। मक्खी और पैरा दे रहा। वाह 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 वाह। ए सुन भैया, जरा नारियल पानी तो देना, लगता है तुमको कहीं देखा है। भैया, तुम्हारा चेहरा इंस्पेक्टर मक्खी जैसा क्यों लग रहा है? अरे इंस्पेक्टर मक्खनचंद पांडे के इतने बुरे दिन नहीं आए कि वो नारियल पानी बेचे। भैया मलाई कम वाला नारियल देना। अरे बात तो सही है, फिर भी डाउट दूर कर लेते हैं। एक काम करो, नारियल पानी वाले को 2 कंटाप लगाओ। अगर इसने पलट कर वार किया तो यही मक्खी पांडे जी हैं, क्योंकि उनके बल के आगे किसी की नहीं चलती। पलट वार नहीं किया तो ये नारियल पानी वाला है। यही खड़े खड़े मक्खी का मक्खी और पानी का पानी हो जाएगा। बचाओ। रज्जू दीदी, मुसीबत कैसी भी हो, डायल चुलबुल फॉर हेल्प। चुलबुल! चुलबुल रे चुलबुल! स्वागत तो करो हमारा। मक्खी, अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। मक्खी, कुछ निंजा फाइटर रज्जो और बच्चों को उठा कर ले गए हैं। चलो। बच्चा भैया को शहर का बच्चा बच्चा जानता है। बच्चा भैया नाम का बच्चा है, लेकिन अकल का कच्चा नहीं। गोल्ड ट्रक हाईवे से गुजरने का टाइम हो गया। अब चुलबुल रज्जो और बच्चों को छुड़ाने में बिजी रहेगा, और हम गोल्ड ट्रक को लूटेंगे। लूटेंगे, लूटेंगे। तू सीरियस काय को है? पहले आप गोल्ड ट्रक लूटिएगा, फिर चुलबुल यहाँ आके हमें कूटेगा, यही सोच के सीरियस हूँ। नो पीहू, लगता है मेरी गेम की बैटरी चली गई है। अंकल, आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी मिलेगी क्या? हमने तुम लोगों को किडनैप किया है, कोई पिकनिक पर नहीं आए हैं, इसलिए वीडियो गेम खेलना बंद करो। अब ये सोचो घर कैसे जाओगे। घर ले जाने वाला आ गया, अब तुम डरो कि घर कैसे जाओगे। Ah.
स्वागत तो करो हमारा। बच्चों और लेडीज के साथ ऐसा बर्ताव शेम शेम। चुलबुल कितनी मार खाओगे? तुम जानते हो हमें कॉमेडी से नहीं एक्शन से डर लगता है। उठो और जल्दी इन सबको निपटाओ। अरे ये कुछ करने का मौका दें तब तो निपटाओ इन्हें। बड़े फुर्तीले हैं ये निंजा फाइटर्स। हमें मत मारो, हमें बच्चा भैया ने भेजा था। उनका प्लान था कि आपको बिजी रखो और वो गोल्ड ट्रक चुरा ले। प्लान तो अच्छा था लेकिन बच्चा अभी अकल का कच्चा है और हम इस खेल के खिलाड़ी। नमस्ते नमस्ते, हम नहीं समझते, हम निंजा फाइटर्स सर। काम हो गया सर, चुलबुल को भी बांध दिया। लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारा पैसा तो एडवांस दे दिया था। चुलबुल बोला, आपने गोल्ड ट्रक लूटा, हमने कभी गोल्ड से भरा ट्रक नहीं देखा, बस एक बार हमको गोल्ड देखना है। वल्ला वल्ला, हम बहुत खुश हो जाएंगे। ये क्या चाइनीज बोलते बोलते तुम अरबिक में बात कर रहे हो? भाषा का क्या है पाशा, दिल से दिल मिलना चाहिए, एक बार गोल्ड दिखा दो। ओए बल्ले बल्ले, ओए शावा शावा, ईस्ट और वेस्ट, जट इज द बेस्ट, इतना सारा सुना? पंजाबी पंजाबी है कौन? तुम घबराना मत, तुम्हारा वन एंड ओनली भाई तुम्हारी मदद के लिए आ गया है। एक सेकंड, नारियल पानी वाला तो मक्खी है, इसका भाई तो वो चुलबुल पांडे, ये इसको भैया बुला रहा है, इसका मतलब पकड़ ही दे, ये चुलबुल और मक्खी है, पकड़ो इन्हें। भैया मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। मक्खी मैंने तुझे हजारों बार कहा है मेरी एक मदद करना कि मेरी कोई मदद मत करना, फिर भी तू हर बार क्लाइमेक्स में आकर मामला गड़बड़ा डालता है। अब रुक रुक, क्या कर रहा है? अरे ये मक्खन चंद पांडे है, मक्खन चंद पांडे हाँ, अपना सर मार कर दीवार तोड़ देते हैं। हाँ तू क्या चीज है इनके सामने? मक्खी सर, एक नमूना तो दिखाइए इसे। स्टैचू, मैडम जी आप इत्मीनान से यहाँ बैठो, हाथ पैर हम चला लेंगे। भाइयों स्टार्ट। ओए बल्ले बल्ले, शावा शावा, क्या कर रहे हो जी? संभाल के संभाल के। ए चुलबुल पांडे, इनके साथ साथ तुम्हारा भी खेल खत्म। हाँ
चुलबुल, हमें कॉमेडी से डर नहीं लगता, एक्शन से लगता है, लेकिन कॉमेडी बहुत हो गई, अब एक्शन करो। चौबे जी, सोने को गरीबों में बांट दो, कुछ बच जाए तो बैंक को लौटा देना। म्यूजिक ऑन करो, सब पार्टी करेंगे। जो हुकुम प्रोविनेंट पांडे जी। हम भी गरीब है, थोड़ा सा गोल्ड हमें भी देना। देना।